आप ये सबर है मुसलमानों का, सबर बहुत है, ये सबर है मुसलमानों का। देख के बात करिए, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं फैसल खान, मेरे को देख के बात करिए, ये सबर है मुसलमानों का जो हम खामोश बैठे हुए, हम लॉफुली हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे क्या, हम सिर्फ यहाँ पर ठहर के पुलिस वालों को उनका काम करो बोल के बोल, आप एफ आई आर करिए, मैं नहीं कर रहे बोल के बोला, आप कर रहे ना एफ आई आर करिए, यहाँ पर बताइए फिर सेकंड टाइम हम जब प्रेस करेंगे क्या बोल रहा हूँ आप सही बोल रहे हैं, अच्छी बात है ना, कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट का एफ आई आर क्या होता है क्या है क्या बताओ, फिर अपन बात करेंगे जो भी बात करना है कि नहीं पीसफुल, कहीं पर भी शहर में धरना निकालेंगे तो हम पीसफुल ही निकालेंगे, और हम आपको प्रोटेस्ट करने से तो नहीं रो सकते, कोई नहीं रो सकते, हमारे हमको बोलिए सकते किसी चलना टीचर क्या भाई, फांसी देने दियो सबसे पहले, हमें प्रोटेस्ट करेंगे बराबर करेंगे, कल से करेंगे प्रोटेस्ट, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ जब तक हमको खामोश बैठना तो नहीं है, सीधी बात एफ आई आर कोर्ट जो बात में लिखी नहीं, जो आया जो गया उन्हें जो सो कर दे रहा, शाम का टिफिन में चोरी हो गया तो दो घंटे में आप लोग घंटे में पकड़े, बोल दे के की देर हो गया आप लोग ढूंढो, आप बोल रहे हैं देख लेंगे चले जाते हैं, ढूंढ के क्यों बोल रहे हैं हम लोग कभी भी सर, आप लोग आप तो मुसलमान कभी कुछ करे सर, अनलॉफुल काम करे सर, जी सर बोलिए अपने नबी पे बात आई तो सर आए सर बोलिए, आप कानून पूरा आप कानून पूरा आर्गूमेंट करने वाले हैं, हम लोग एनफोर्समेंट करने वाले हैं, आप आर्गूमेंट करने वाले हैं, आपके सामने हम क्या बयान कर सकते हैं, आप बोलते रहो हम सुनते रहे, ठीक है चलिए फिर अपडेट देते रहिए क्या क्या हो रहा है, दिया ना अपडेट हम लोग इधर हमारी जगह काम ही चढ़ते हैं सर, बिल्कुल अपडेट चाहिए बस, कोई न्यूज़ अपडेट लेकिन हम लोग गिरीश भाई हम लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग मैं वकील हूँ मेरी वकालत की डिग्री फाड़ दे दो, मैं पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दोस्त ने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं, उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी, पर ये जो हरकत हुई है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलत फहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या, बट इमिडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है, और जो हमारा अमन चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे, और इमिडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पर एक्शन लेंगे। मैडम तेलुगू